रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, उभय विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। तो तीन नाम से यहाँ पर आपको बताया गया है। या इंग्लिश में अगर कह दें तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए अभी हम लोग पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन ये जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ देखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने मूलकों के परस्पर आदान प्रदान से नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अथवा उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, दो अभिकारक जब मिलेंगे तो अपने मूलक का आदान प्रदान कर देंगे, है ना, जो जुड़े हुए हैं उसमें। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिल रहा है सोडियम क्लोराइड है, फिर यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है। जब दोनों का अभिक्रिया करवाया गया तो यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे हुआ क्या आप देखेंगे, देखिए सोडियम जो है यहाँ से आकर के नाइट्रेट के साथ मिल गया तो ये बना दिया क्या चीज़, सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ जो सिल्वर है वो सिल्वर आकर के क्लोरीन से अभिक्रिया कर लिया, ठीक ना। अब क्लोरीन से अभिक्रिया किया तो यहाँ क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया। यानी कि देखा जाए तो यहाँ दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी कि विस्थापित हो जा रहा है, दोनों दोनों विस्थापन हो रहा है। ये दूसरे जगह पे चला जा रहा है, ये दूसरे जगह पे चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि द्वि दोनों विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसका नाम जो है द्वि विस्थापन पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल और भी अगर देखा जाए, है ना, इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाया गया, यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम जो है सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ भी वही हुआ है, सोडियम जो है इसके साथ आ गया, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ और सल्फेट जो है बेरियम के साथ आ गया। यहाँ पर दोनों का दोनों अपने आप अपने मूलकों का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, सल्फेट इसके साथ चला गया और क्लोरीन इसके साथ चला गया। तो यही हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे।